तो आ गए हम सेकंड पार्ट लेके, जो लोग अपने फ़ोन की बैटरी बैकअप से परेशान हैं। जिन लोगों ने वो पहली पार्ट वन नहीं देखा है, पहली वीडियो नहीं देखी है, तो मैं यहाँ लिंक दे दूँगा आई बटन पे वो लिंक, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसकी लिंक डाल दूँगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। वो वीडियो ज़रूर देखना, उससे आपकी जो बैटरी बैकअप है उसमें 50% फ़ायदा हो जाएगा, और बाकी का जो 50% वो इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो इस वीडियो में भी हम ऐसे 7 तरीके डिस्कस करेंगे जिनको फॉलो करने के बाद, जिनको इस्तेमाल करने के बाद आपके फ़ोन की बैटरी का बैकअप बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल माई इजी नॉलेज। तो 7वां जो तरीका है वो ये है कि अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो या आपका वाईफाई का कनेक्शन है आपके पास, तो आप कोशिश करें कि आप अपना जो नेट यूज़ कर रहे हैं फ़ोन में वो वाईफाई से करें, मोबाइल का जो डाटा है उससे ना करें। उससे क्या फ़ायदा होगा कि वाईफाई से फ़ोन की जो बैटरी बैकअप है वो ज़्यादा अच्छा चलता है। यहाँ की अगर हम अपने मोबाइल का डाटा ऑन करते हैं उससे हमारे मोबाइल की बैटरी का बैकअप कम हो जाता है। तो कोशिश करें कि अगर आपके पास वाईफाई कनेक्शन है तो आप वाईफाई कनेक्शन से ही नेट ज़्यादा यूज करें और जो मोबाइल का डाटा है उसे बंद करके रखें। दोस्तों, 6ठा जो तरीका है वो ये है कि आपके मोबाइल में जो ऐप्स हैं, बेफालतू के ऐप्स हैं, जैसे ऐप होते हैं ना इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये तो काम के हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं बेकार के। तो जो बेकार के हैं वो आपके बैकग्राउंड में बैटरी और मोबाइल का नेट यूज करते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, उन ऐप्स को या तो अनइंस्टॉल मार दो या उनका जो बैकग्राउंड डेटा है उसको बंद कर दो, और जो बैकग्राउंड में रन करते हैं उसको बंद कर दो। अगर आपको ये करना नहीं आता है तो यहाँ मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, उस लिंक को ओपन करके आप अपनी जो ये सेटिंग है, बैकग्राउंड जो डेटा है ऐप्स का, वो कैसे बंद करना है वो मैंने उस वीडियो में बता रखा है। उस वीडियो में मैंने ये भी बता रखा है कि मोबाइल की जो हैंगिंग प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि मोबाइल के बैटरी बैकअप का और हैंगिंग का एक दूसरे से बहुत लेना देना है। तो आप वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा और वहाँ आई बटन में भी मैंने दे दी है। दोस्तों, 5वां जो तरीका है वो ये है कि आपके फ़ोन की बैटरी सबसे ज़्यादा गेम खेलने से ख़त्म होती है। जिन मोबाइल फ़ोनों में गेम होती हैं, गेम चलाते हैं जो, उनमें फ़ोन की बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो मैं भाई गेम के ख़िलाफ़ तो नहीं हूँ, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे गेम खेलते हैं, कहीं मेरे से बुरा मान के चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा तो भी अनसब्सक्राइब मार दें, कोई तरीका हो उनके पास। तो मैं बताता हूँ, एक वीडियो में स्पेशल इस चीज़ पे बनाऊँगा कि जो गेम खेलते हैं जो लोग, उनके फ़ोन की बैटरी बैकअप कैसे बढ़े, उनकी फ़ोन की बैटरी ज़्यादा कैसे चले, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊँगा। जब वीडियो बन जाएगी इतने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक डाल दूंगा, तो आप उसको तब भी देख सकते हो। दोस्तों, 4था जो तरीका है वो ये है कि आप अपने फ़ोन को हमेशा जो आपके फ़ोन के साथ चार्जर आया है उससे ही चार्ज करें, या फिर किसी और चार्जर से भी करें तो वो किसी कंपनी का होना चाहिए, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, MI, किसी कंपनी का ओरिजिनल चार्जर होना चाहिए, उसी से अपने फ़ोन को चार्ज करें। मार्केट में मिलने वाले जो सस्ते चार्जर होते हैं उनसे बचें, क्योंकि उनमें सर्किट अच्छी यूज नहीं होती, वो करंट को DC प्योर रूप से बना नहीं पाते, उससे क्या होता है हमारी बैटरी फूलना, बैटरी बैकअप में कमजोरी, बैटरी का वीक होना, बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि ओरिजिनल फ़ोन का चार्जर ही यूज करें। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी कंपनी का यूज़ करो, लेकिन ओरिजिनल चार्जर ही यूज करो। मैंने यहाँ आई बटन में लिंक दे दी है, उसमें आप देख सकते हो कि ओरिजिनल चार्जर और ओरिजिनल डाटा केबल की क्या पहचान है। दोस्तों, 3रा जो तरीका है वो ये है कि अपने फ़ोन को हाई टेम्परेचर वाली जगहों पे यूज ना करें। जैसे कि आप धूप में अपने फ़ोन को चला रहे हो, धूप पड़ रही है बहुत तेज़ और फ़ोन को चला रहे हो, गाड़ी के डैशबोर्ड पे रख देते हो, वहाँ धूप आ रही है, उससे वो फ़ोन गर्म हो रहा है, उससे क्या होगा आपके फ़ोन की बैटरी कम भी चलेगी और ख़राब भी होगी, फ़ोन में भी दिक्कत आएगी। क्यों? ओवर हीटिंग से बहुत सारी दिक्कत आ जाती है फ़ोन में। जब भी आपका फ़ोन ओवर हीटिंग करे तो उसका इस्तेमाल करना बंद कर दें, उसको ठंडा होने दें। वैसे तो फ़ोन आजकल ओवर हीटिंग होते नहीं, लेकिन आप धूप में लेके चलाओगे तो ओवर हीटिंग होगा। आप किसी गर्म जगह पे काम करते हो और वहाँ फ़ोन को लेके गए हो तो ओवर हीटिंग होगा। तो ओवर हीटिंग से बचें, इससे आपके फ़ोन की बैटरी बैकअप भी सही रहेगा और आपके फ़ोन की बैटरी भी सही रहेगी।
दोस्तों दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगा के कभी ना चलाएं। आपको पता है स्मार्टफोन कंपनियां क्या करती हैं कि डाटा केवल छोटी देने की कोशिश करती हैं चार्जर के साथ। जब वो यार फ़ोन में इतनी महंगी चीज़ें लगा सकती हैं, इतना खर्चा कर सकती हैं, बैटरी का एमएएच बढ़ा सकती हैं, कैमरे का मेगापिक्सल बढ़ा सकती हैं, क्या डाटा केबल का साइज़ नहीं बढ़ा सकती? वो इसलिए साइज़ कम देती हैं जिससे कि आप अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगा के यूज ना करो। उससे आपके फ़ोन की बैटरी फूलने का, फटने का, गर्म होने का खतरा रहता है। इसलिए कंपनी बड़े दिमाग से सोच के छोटी डाटा केबल देती हैं। जितने बड़े कंपनी का फ़ोन होगा उतनी छोटी उसकी डाटा केबल आएगी। दोस्तों पहला जो तरीका है वो ये है कि आप जब फ़ोन में कीबोर्ड यूज़ करते हो तो टिक 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 करके आवाज़ आती है, या वाइब्रेशन गुन 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 करके वाइब्रेशन की आवाज़ आती है, तो वो जो दोनों सेटिंग है वो आप सेटिंग में जाके ऑफ़ कर दो। जिससे क्या होगा, जब आप टाइपिंग करते हो तो कीबोर्ड जो आवाज़ करता है उससे भी आपकी बैटरी ख़त्म होती है, जो वाइब्रेटिंग मोटर होती है उससे भी आपकी बैटरी ख़त्म होती है, क्योंकि मोटर तो ज़्यादा लाइट कंज्यूम करती ही है, तो उससे आपकी बैटरी बैकअप में बहुत फ़र्क पड़ेगा। करके देख लेना, सच बता रहा हूँ आपको, वो जो टाइपिंग वाली जो साउंड है और वो जो वाइब्रेटर की सेटिंग है उनको ऑफ़ करके रखना, उससे आपकी बैटरी का बैकअप बढ़ जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले टाइम में मैं किसी भी तरह की अच्छी अच्छी जो वीडियो बनाऊँगा, मैं ना जेन्युइन प्रॉब्लम पर वीडियो बनाता हूँ, और जो भी वीडियो मैं बनाऊँगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।